Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Cooking with Shaikha. कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं और एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी। वो रेसिपी क्या है, मैं बनाने जा रही हूँ सुरमी मछली फ्राई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम फिश को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना होगा हमारे इंग्रेडिएंट्स की ओर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है सुरमी मछली 750 ग्राम, रामचूर पाउडर 1 टीस्पून, लेमन 1 लिया है, राइस फ्लावर 2 टेबलस्पून, सोजी 3 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल फॉर फ्राइंग, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून ईच, सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है, सरसों का ऑयल 2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, पेपर पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए अब जल्दी से हम मछली को मसाला लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रही मेरी सुरमी मछली, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर क्लीन कर दिया है। और इसको कैसे धोना है, इसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मछली पे जाएगा हमारा लेमन जूस, सॉल्ट 1 टीस्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून ईच। इसको हम अच्छी तरह से लगा देंगे दोस्तों, उसके बाद हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। ठीक है, तो अब मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसके बाद जाएंगे हमारे सारे पाउडर्ड मसाले। सबसे पहले जाएगा हमारा रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, पेपर पाउडर और आमचूर पाउडर। ठीक है, और इसके बाद जाएगा हमारा मस्टर्ड ऑयल। दोस्तों, अब ये गए हमारे सारे मसाले हमारे सुरमी मछली के अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने मसाले अलग अलग डाला है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। ये देखिए अपने हाथों के मदद से मैंने किस तरह से इसको मैरिनेट किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे अच्छी तरह से मैरिनेट होने के लिए। आप जितना टाइम चाहिए उतना रख सकते हैं, मैंने सिर्फ आधा घंटा रखा है। तो चलिए आप दूसरी प्लेट लेंगे, उसमें हम डालेंगे रोस्टेड सोजी। मैंने थोड़ा तवे पे इसको भून लिया था दोस्तों, और इसके बाद इसमें जाएगा राइस फ्लावर। आप अगर राइस फ्लावर नहीं यूज़ करना चाहते तो बेसन भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब इसके बाद मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से हम एक मिक्स देंगे और उसके बाद हम इसमें हमारी मछली को कोट करेंगे। ये देखिए किस तरह से लग रहा है ना। तो चलिए, अब आधा घंटा हो चुका है। अब हम हमारी इस सुरमी मछली को इस सोजी में कोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप इसमें कोट करेंगे तो अच्छी तरह से हमारी मछली इसमें डूब जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों मैं किस तरह से कोट कर रही हूँ। ठीक है, हल्के से हमें इसको कोट करना चाहिए, हल्के से लगा लीजिएगा, ज़्यादा इसको प्रेस मत कीजिए, दबाइएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मैं सारे मछलियों को कोट कर लूँगी। और दूसरी तरफ पैन में हम 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यह हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें जाएगी हमारी सुरमी मछली। ठीक है दोस्तों, हम पैन को ज़्यादा ओवरहीट नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे जब मछली डालेंगे। ठीक है, जब आप मछली डाल देंगे तो इसको ढककर पकाइएगा और बिल्कुल स्लो फ्लेम में पकाएगा। ठीक है दोस्तों, आप हाई फ्लेम मत यूज़ कीजिएगा, वरना आपकी मछली अंदर से नहीं पकेगी। अब ये देखिए मेरी मछली एक तरफ से पक चुकी है। अब मैं इन सारे मछलियों को टर्न करूँगी। ठीक है, टर्न करके फिर इसको ढककर स्लो फ्लेम पे ही पकाऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसी प्रोसेस को सारे मछलियों के साथ भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी मछली एकदम फ्राई होके रेडी हो चुकी है, हम इसको अलग से निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये निकाल दिया है, तो अब इसके बाद मैं डालूंगी हमारी बची हुई मछली। ठीक है दोस्तों,
हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे और जल्दी से हमारी मछली को फ्राई करके निकाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा सेकेंड टर्न भी हो चुका है ना, कितना बढ़िया। इसको सोजी लगाने से हमारी मछली एकदम क्रिस्पी हो चुकी है दोस्तों। चलिए मैं आपको बता देती हूँ और दिखा भी देती हूँ। इसका आवाज़ देखिए दोस्तों, कितना क्रंची है ना। और ये देखिए दोस्तों, इसको अंदर से देखिए कितना अच्छा सा पक चुका है। हमारी मछली अंदर से बिल्कुल वाइट हो चुकी है, यानी जब मछली अंदर से वाइट हो जाएगी तो इसका मतलब हमारी मछली एकदम रेडी है खाने के लिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस मछली को सर्व करेंगे कुछ अनियंस के साथ और ककड़ी के साथ और कैरेट के साथ। आप इस मछली को स्टार्टर्स के तरह खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैंने बहुत सारे मछली के वीडियोस भी बनाए हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जल्दी जाइए अपने किचन में, बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe to my channel. Allah Hafiz.